अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं प्यारे प्यारे व्यूअर्स? आज मैं आप सभी के लिए यूपी स्पेशल जायका यानी कि अपने चैनल पर लेकर आई हूँ बकरा ईद स्पेशल खड़े मसाले का कीमा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बकरा ईद में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो हमें चाहिए बहुत ही जल्दी और झटपट बनने वाली रेसिपी। तो आज मैं आप सभी की टेंशन को ख़त्म करने वाली हूँ और आज हम बनाएंगे ये मज़ेदार झटपट खड़े मसाले का कीमा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। खड़े मसाले का कीमा बनाने के लिए है मैंने कुछ गर्म मसाले, जिसमें है 2-3 तेज़पत्ता, 4-5 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और लौंग, 2 दालचीनी, 4-5 लौंग, 4-5 काली मिर्च और ये है 2 लहसुन की कलियाँ, जिसको पूरी कली होती है उसके जो पीसेस होते हैं उसको मैंने बारीक कट कर लिया है राउंड शेप में। और ये है अदरक, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे बारीक लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है, और 1 कटोरी भरकर हरी मिर्च। इससे हमारा कीमा बहुत ही ज़्यादा चटपटा एंड टेस्टी लगता है। 1/2 किलो कीमा है जिसे मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है, और हमने लिए हैं 6-7 हमने लिए हैं मीडियम साइज़ के अनियन जिन्हें लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है। तो हमारा ये खड़े मसाले का कीमा बनाना बहुत ही आसान है। बकरा ईद में हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं तो इसलिए ये कीमा बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। मैंने लिए एक कढ़ाई और अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया है। इसमें डाला है मैंने 1/2 कप ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और कटे हुए अदरक, जितने भी मैंने अदरक काट रखे थे सारे गरम मसाले, और कटा हुआ बारीक कटा हुआ लहसुन, सारी बारीक कटी हुई अनियन भी इसमें डाल देंगे। ये कीमा बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि हम इसे बहुत ही आसानी से बिना सीटी लगाए बना लेते हैं और सारे सामान को एक साथ ही इसमें डाल देते हैं। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 1 कटोरी भरकर, ये हरी मिर्चें ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो सूखी लाल मिर्च या पीसी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है नमक, मेरे पास है सेंधा नमक तो इसलिए मैंने इसकी जो क्वांटिटी है थोड़ी ज़्यादा रखी है। आप कोई और सा नमक पसंद करते हैं 1 टेबल स्पून भी बहुत है फिर। और 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिन्हें लंबा लंबा स्लाइसिस में कट कर लिया है, और 1 ग्लास भरकर पानी, और इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स। हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्च मैंने नहीं डाली है क्योंकि मैंने इसमें बहुत क्वांटिटी में हरी मिर्चों को ऐड किया है। आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो सूखी लाल मिर्च या पिसी हुई लाल मिर्च को इसमें ऐड कर सकते हैं। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है हाई फ्लेम पर। मैं इसको 20 मिनट के लिए ढककर रख दूँगी और 20 मिनट के बाद मैं इसको खोल कर देखूँगी। तो देखिए 20 मिनट बाद कुछ इस तरह से हमारे कीमे का कलर हो गया है, कीमे का कलर भी चेंज हो गया है, और जो हमने साबुत मसाले इसमें डाले थे प्याज टमाटर वो भी थोड़े सॉफ़्ट हो चुके हैं। और अगर आपका कीमा सॉफ्ट नहीं हुआ है तो आप इसमें 1/2 कप पानी और ऐड कर सकते हैं। मैंने भी 1/2 कप पानी इसमें ऐड किया है, और देखिए ये लगभग ऑलमोस्ट 80% कीमा हमारा कुक हो चुका है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भुनाई करेंगे, और भुनाई करने के बाद इसका कलर थोड़ा और अच्छा सा हो जाएगा और कलर चेंज हो जाएगा। आप बकरा ईद में इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, ये बनाने में बहुत ही आसान है, और इसके साथ साथ बनाते बनाते आप घर का कोई और काम भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारा कीमा का कलर कितना अच्छा हो गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता तब तक हम मीडियम फ्लेम पर इसकी भुनाई करेंगे, और भुनाई करने के बाद जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो हमारा कीमा तैयार है। तो देखिए हमारा कीमा तैयार हो चुका है, और इसको अब हमें गर्मा गर्म खा लेती हूँ। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और ट्राई करने के बाद कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।